अभी हम उस मंदिर में जाएंगे, वो गाथा मंदिर है। ये देखो यहाँ पे खाना बट रहा है जो बहुत दूर से आते हैं उनके लिए। हाथ है और एक सब्जी है। अंदर जाते हैं अभी, ये देखो टीका लगा रहे हैं। देखो हाकी जपुड़ घेत असता काय? चलो आप देखते हैं अंदर कितनी गर्दी है। मैं जो बोल रहा था ना, कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो देखो हो गया हमारे महाराष्ट्र संस्कृति। आगे अलाउड नहीं है मोबाइल, फिर भी हम कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर है बनाने से पहले ऐसे था। गाइस कैमरा अलाउड नहीं यहाँ पे, फिर भी हम लोग अंदर ले आए मोबाइल को, अभी देखते हैं। ये देखो यहाँ पे सब गाथा लिखी हुई है, गाथा पूरे दीवारों पे लिखी हुई है। ये तुकाराम महाराज का स्टैचू है और ऊपर सुंदर ऐसे मूर्तियाँ सजी हुई है। आगे देखते और हम चलो अभी जाते हम मेन मंदिर में। ये तो गाथा मंदिर था भाई। हम आ चुके हैं अभी तुकाराम बीच के पास। अभी ये तुकाराम बीच क्या रहता है देखो भाई, तुकाराम महाराज ने जो गाथा लिखी थी, हाँ, जहाँ पे वो अभंग किया करते थे, वो जो पेड़ था वो अभी भी यहाँ पे स्थित है। तो उसी पेड़ के पास हम जाएंगे, देखेंगे, ठीक है। और एक मतलब यहाँ पे मेला लगता है तुकाराम बीच करके, उस दिन 12:10 पे वो जो पेड़ है वो हिलता है। आपको झूठ लग रहा होगा लेकिन ये सच है, आप गूगल कर सकते हो या यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो रियल वाला, आपको पता चल जाएगा क्या वो सच में हिलता है या नहीं। तो ठीक है चलते हैं हम अभी। ये देखो द्वार है उसका, बादल भी बहुत अच्छे आ गए हैं। तो ये लाइन लगी है, ओ देखो वो सामने वाला पेड़ है, वहाँ पे ले जाता हूँ आपको। देखो बहुत दूर दूर से आए श्रद्धा लेके आए लोग, क्योंकि पुण्य का है, पुण्य कमाना है भाई, पुण्य ऐसे ही तो मिलता है। ज्ञान की बातें कर ली, ऐसा नहीं ना। यहाँ पे देखो भजन चल रहा है। ये देखो भाई ये पेड़ है, वो दिखाता हूँ मैं, ये देखो अंदर दिखाता हूँ। और हमारे विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर, देख रहे हैं।
जो तुकाराम महाराज ने जो कार्य किए थे वो सब दिखाता हूँ आपको, बोल रहा था ना मैं शिवाजी महाराज का, ये देखो तुकाराम महाराज शिवाजी महाराज। ये आपको दिख रहा होगा ये सीन क्या है पता है क्या, जब तुकाराम महाराज जो है ना अभंग गाते थे, अभंग लिखते थे, घर छोड़ के चले गए थे क्योंकि उनको विठ्ठल का बहुत मतलब जैसे वेड मराठी में वेड बोलते हैं नांद वो था, तो उनकी जो पत्नी है वो उनको समझाने आती है, वो टाइम का प्रसंग है। और ये जो पेड़ अभी मैंने दिखाया था तो ये वही है भाई, अभी अभी पता चला है कि पालकी पोस्टपोन हो गई, मतलब कुछ चीज़ें रहती है ना जो दिक्कतें डालती है, तो कल सुबह आएगी यहाँ पे, तो कल निकलेगी यहाँ से पंडरपुर को, तो आज तो हमें पालकी नहीं देखने मिली, लेकिन वो पालकी में जो लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं वो तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, चूँकि अभी जहाँ पे गाथा विसर्जन किया था, ठीक है, ये वो नदी है, ये देखो अभी आपको पत्थर दिखाऊंगा मैं जहाँ पे उन्होंने खड़े रह के गाथा विसर्जन किया था। ये देखो भाई फाइनली, ये देखो ये वो पत्थर है, जूम करके दिखाता हूँ उसको, सीमेंट से कर दिया है ताकि उसका कुछ ना हो। ये वो नदी है, बहुत भीड़ है बहुत, अभी हम आगे जाएंगे मेन मंदिर में, लेकिन वहाँ पे तो भीड़ है। ठीक है जाते हैं, देख लिया यार, लेकिन मेरा बैग रिपेयरिंग वाला ही नहीं मिल रहा है मुझे, क्या करें अभी, बहुत ढूंढ लिया मैंने, खोज लिया फिर भी नहीं मिला मेरे को, अभी देखते हैं आगे मिलता है क्या। इंदौर है जहाँ पे उनकी समाधि है, ठीक है देख लो आप आ सकते हो, आना कैसे पुणे से, अगर पुणे में अगर ट्रेन से आते हो वहाँ से निगड़ी से देहूगाँव रोड रहता है, और सॉरी हाँ देहूगाँव बस रहती है, सीधा आपको यहाँ पे छोड़ देगी। ये कैमराज लगे हैं 360 डिग्री वाले जो सब पे नज़र रखते हैं। देखो भाई इतनी भीड़ है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा यहाँ, भीड़ देखो भीड़।